अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, हैर अफेयर से होंगे और जहाँ कहीं पे भी होंगे अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार रहे होंगे। तो आज की वीडियो मैंने किचन से ही स्टार्ट कर दी। यहाँ पे मैं बना रही थी, बच्चे अगर आपके खाना नहीं खाते, छोटे बच्चे हैं, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार सी मज़ेदार सी आज रेसिपी मैं बना रही हूँ। तो आपने भी ज़रूर बना के देनी है, क्योंकि सर्दियों में अक्सर माओं का शिकवा होता कि बच्चे खाना नहीं खाता, तो आपने ले ये सिंपल सेवइयां और उसको घी में भूनना है। जैसे मैं भून रही हूँ, देख सकते हैं ये नॉर्मल सेवइयां हर जगह से मिल जाती हैं, और इसको आपने भूनते रहना है। भूनने के बाद इसके अंदर पानी ऐड कर देना है। ये दूध में नहीं बनाना, नहीं तो बच्चे नहीं खाते, उनको मसला हो जाता है, क्योंकि फिर उनका चेस्ट जाम हो जाता है सर्दियों में। तो आप इस तरीके से उनको बना के देंगे तो आपके बच्चे प्लेटों पे प्लेटें भर के खाएंगे और बार बार मांगेंगे। तो यहाँ पे इनको भूनने के बाद मैंने पानी ऐड कर दिया। अब इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया चीनी को। तीन चीज़ों को आपने ऐड करना है और इस तरह से मिक्स करते जाना है। यह बहुत इजी और जल्दी बन जाने वाली रेसिपी है। अगर आपको गैस का भी मसला है तो आप देख सकते हैं, आराम से आप सिलेंडर पे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने चीनी पानी सारा कुछ डाल दिया था तो सब कुछ ड्राई हो चुका है। तो ये देख सकते हैं मज़ेदार सी हमारी सेवइयां रेडी हो चुकी हैं। तो फिर हमने गैस को बंद कर देना है और एक प्लेट में डाल के बच्चों को सर्व कर दें, और ड्राई फ्रूट वगैरह इसके ऊपर आप डालिएगा अगर आपके बच्चे खाते हैं तो। ये बहुत मज़े की बच्चे खाते हैं और बड़े भी बड़े शौक़ से खाते हैं। तो इजी बनने वाली झटपट सी ये टिप्स और ट्रिक्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे फिर मैंने अपने लिए निकाली तो मैंने अखरोट वगैरह डाल दिया। अगर बच्चों के लिए आप बनाएं तो इसमें आपने ड्राई फ्रूट पीस के उनको डाल के देने हों ऊपर, और बहुत मज़े की ये बनती हैं और बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं और उनका वेट भी काफ़ी ज़्यादा गेन होता है इससे। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है बच्चों के लिए, क्योंकि सर्दियों में बच्चे खाना खाने में बहुत तंग करते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं मैंने कुबरा को डाल के दी तो वो किस तरह से मज़े ले लेके खा रही थी, और पूरी प्लेट माशाल्लाह से ये फुल थी, तो इसने सारी फिनिश कर दी थी। बहुत इसको अच्छी लग रही थी। तो जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं, मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरी एफ़र्ट आपको अच्छी लग रही हो, मेहनत अच्छी लग रही हो। और ये देख सकते हैं वो अपनी फिनिश करके फिर मेरे पास आई और मेरे पास से भी इसने खाना स्टार्ट कर दी। तो ये बहुत अच्छी होती हैं बच्चों के लिए। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को दबाइएगा। फिर हमारे बच्चों की थी सालगिरह, तो हमने फिर उनके घर गए, बच्चों के घर, तो उनकी सालगिरह भी सेलिब्रेट की और ये केक खुद ही बनाया गया था घर में। तो यहाँ पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। अल्लाह हाफिज़, और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को।